वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो अब आपसे बच्चों का ICSE क्लास 10 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अब एंड हो चुका है और अब आपके कह लो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो आपके दिमाग में जो अगला डाउट होगा, जहां पे कई सारे बच्चे परेशान होंगे कि अब आपको ये जानना होगा कि आखिर आपका रिज़ल्ट कब आएगा, क्या कुछ पास या फेल का क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ICSE क्लास 10 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही रेयर केस में कोई लड़का फेल होता है या फिर क्या लोग कोई स्टूडेंट फेल होता है। फेल वही लोग होते हैं जो या तो एग्ज़ाम छोड़ दें या कह लो किसी कारणवश उन्होंने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, उन्हीं को वही फेल हो सकते हैं। वरना ICSE 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होने जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। कोई बच्चा अगर अब्सेंट हो गया है अपने एग्जामिनेशन में तो वही फेल हो रहा होता है, बहुत रेयर केस में कोई फेल होता है। तो फेल होना है तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप ये सोचो कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे, आप अपने मार्क्स के बारे में सोच सकते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फेल होना तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि बहुत रेयर केस में कोई भी स्टूडेंट आपके क्लास में देखना फेल होगा, या तो उसने एग्ज़ाम स्किप कर दिया या बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दिया, तभी वो फेल होता है। वरना ICSE बोर्ड में कह लो एक जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन होता है बहुत इजी होता है। ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना इजी है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भी आप पॉजिटिव हैं, तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको आज लास्ट पेपर देके ऐसा फील हो रहा होगा कि वाकई में बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक यह कह लो एक हुआ था जिसके हमें बार बार कह के हमें डराया जाता था कि तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। बाकी ओवरऑल आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, मेरा ऐसा मानना है आप सभी स्टूडेंट्स के। और आप सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत कह लो हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को मैं कह लो धन्यवाद कहना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर हमारे परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होते हैं, हमारे मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होते हैं, हमारे ग्रुप्स कैसे बनते हैं। तो देखा जाए तो टोटल आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं आपके ICSE क्लास 10th में। पहला होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर 1, देन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पेपर 2। अब थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ, 1 कौन सा है 2 कौन सा है आप देख लेना। ठीक है, देन पेपर जो 3 आपका होता है, मान लो आपका होता है मैथमेटिक्स, एक सिंगल ग्रुप सिंगल पेपर है मैथ्स। देन 4th नंबर पे आपका होता है फिजिक्स, 5th नंबर पे आपका है केमिस्ट्री, 6th नंबर पे आपका है बायोलॉजी, 7th पे है आपका हिंदी, देन 8th नंबर पे आपका होता है हिस्ट्री एंड सिविक्स, देन आता है आपका 9th नंबर पे ज्योग्राफी, एंड 10th नंबर पे जो आपका एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बहुत सारे बच्चे जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ आपके चैप्टर सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, इनका क्या बनता है, तो इनका बनता है एक ग्रुप। जो आपका रिजल्ट आएगा आप देखोगे तो उनमें ऐसे दिया होता है, ग्रुप बना के दिया होता है कि ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स दिया होगा, इंग्लिश लिटरेचर का दिया होगा, फिर इनका एवरेज दिया जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादातर आपके रिजल्ट में एवरेज ही देखने को मिलेगा, बहुत क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी आपके मार्किंग दिए होते हैं कि आपने कितना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर किया, और साथ में उनका ग्रुप मिल रहा होता है। तो होता क्या है कि इन दोनों सब चैप्टर्स, वैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इन दोनों को ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कंबाइन करके आपको ओवरऑल 33% मार्क्स स्कोर करना है। और वो भी कैसे करना है, मजे की बात तो ये है कि पेपर प्लस इंटरनल दोनों कंबाइन करके, यानी 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, दोनों कंबाइन करके आपको 33% मार्क्स स्कोर करना होता है। और ये 33% मार्क्स कोई भी लड़का इजीली स्कोर कर जाएगा दोनों पेपर कंबाइन करके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ फेल नहीं हो रहा होता है। और आप देखोगे तो ये दोनों पेपर कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे टोटल 200 मार्क्स के। 200 मार्क्स में से आपको 33% यानी टोटल 66 मार्क्स लेके आने हैं, जिसमें आपके 40 मार्क्स इंटरनल भी हैं, इंग्लिश पेपर 1 के, इंग्लिश पेपर 2 के 20 मार्क्स आपके इंटरनल भी हैं। यानी टोटल आप 26 मार्क्स अगर पेपर में लिख देते हो इंग्लिश के तो आप पास हो गए इंग्लिश में। ठीक है, मैथ्स का जो आपका होता है ये अपना एक सिंगल ग्रुप है, इसमें आपको पेपर प्लस इंटरनल मिला के 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी 100 में आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं मैथ्स को क्वालिफाई करने के लिए। जिन बच्चों का भी मैथ्स में 33 से ऊपर आ रहा होगा, यानी जो लोग रिटन में, मैं अगर कहूँ कि रिटन में 26 से ऊपर पा रहे हैं, वो 100% क्वालिफाई हैं, क्योंकि आपको कम से कम इंटरनल मिलेगा, 10 नंबर आपका स्कूल इंटरनल आपको देगा ही, बहुत बेकार भी देगा तभी भी 10 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे कह लो 20 नंबर 22 नंबर से ऊपर मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं वो क्वालिफाई हैं, इजीली पास हैं। ठीक है, देन इन तीनों को कंबाइन करके आपका एक सेक्शन बनता है साइंस का,
इन तीनों को कंबाइन करके आपका बनता है साइंस, ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी अगर देखा जाए तो इन तीनों का टोटल होगा 300, साइंस का तीनों का टोटल हुआ 300, और 300 का अगर आप 33% कैलकुलेट करेंगे तो तीनों को मिला के 99 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जिसमें आपका इंटरनल भी शामिल है। यानी अगर गलती से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी एक पेपर ख़राब हो गया हो, बहुत अच्छा नहीं गया हो, बाकी आपके दो पेपर्स अच्छे गए हैं, तो उनका मार्क्स आपका थर्ड पेपर में कंबाइन हो जाएगा, आपका एवरेज अच्छा चला जाएगा। यानी तीनों का एवरेज करके अगर आप 99 मार्क्स स्कोर करते हो तो भी आप क्वालिफाई हो, ठीक है। तो देखो, अगर आपका कोई एक पेपर ख़राब भी गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे एवरेजिंग चल रहा होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो अगर आपके ऐसा लग रहा हो, परेशान हो कि मेरा फिजिक्स का पेपर डिस्टर्ब हो गया या फिर केमिस्ट्री का पेपर डिस्टर्ब हो गया, तो हो सकता है आपको इसको देख के थोड़ा सा कह लो सुकून मिलेगा। यानी अगर 99 मार्क्स से ज़्यादा फिजिक्स में स्कोर करते हैं साइंस पेपर में, तो आप क्वालिफाई हैं, साइंस में आप पास हो गए, ठीक है। देन आपका हिंदी एक अलग सेगमेंट होता है, हिंदी में आपको अगेन वही पेपर प्लस इंटरनल कंबाइन करके 33% मार्क्स यानी 33 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अब आज जब बच्चे हिंदी का पेपर दे के आए हैं, हो सकता है बहुत लोग काफ़ी अच्छा भी किए होंगे, क्योंकि हिंदी के स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। देन इन दोनों पेपर्स को कंबाइन करके आपका एक सेक्शन बनता है सोशल साइंस का, या फिर कह लो EVS जो भी कहा जाता है। इसमें भी आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं प्रोजेक्ट प्लस इंटरनल, यानी अगर देखा जाए तो 200 में से 66 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी को कंबाइन करके। तो अगर आप 66 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो, उसमें आपका 40 मार्क्स का इंटरनल भी है, तो आप सेफ हैं। देन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपका थर्ड मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसमें भी आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि 33 मार्क्स आप स्कोर करके क्वालिफाई कर जाओगे प्रोजेक्ट प्लस इंटरनल कंबाइन करके। तो ये आपका कह लो एक पासिंग क्राइटेरिया है ICSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत ही रेयर केस में कोई भी स्टूडेंट ICSE के एग्जाम्स में फेल होता है, फेल होने के चांसेस बहुत कम है आपके। आपको बस सोचना है कि मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मैं 90% स्कोर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ आपका कह लो एक पासिंग क्राइटेरिया है। आप बहुत ज़्यादा हमारे इस चैनल पे, आपको अगर आप सभी बच्चे कहेंगे तो आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स कह लो एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे विद एग्जाम्पल्स। उन वीडियोज़ को देखने के बाद से आप अपने मैथ्स के, चाहे किसी भी पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाई करेंगे ICSE बोर्ड में, आप इजीली अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो और आप सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे, अगर कमेंट आएगा तो 100% आपके क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लें, बहुत रेयर केस में मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट फेल होगा। देखो, आप 33 मार्क्स तो आप इजीली कब पा जाओगे, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 कंबाइन करके 66 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर जाओगे। यहाँ पे 99 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर जाओगे। और हर एक, मानो फिजिक्स में आप 40 पा रहे हो, इसमें आप 35 पा रहे हो और इसमें आप 30 पा रहे हो, तो भी आप 99 से ऊपर चले जाएंगे। तो आप देख लो 40, 35, 30, मैंने बोला इतने मार्क्स आप पा रहे हो, इंटरनल कंबाइन करके बोला है, इतना तो हर एक बच्चे का आता है, काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो ऐसा करते हैं, आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि हम अपना बेस्ट 5 रिजल्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। थैंक यू।